नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक पी बी बी एन ऑनलाइन क्लास। आपके कक्षा 7 के 4 क्वेश्चन हो चुके थे, आगे का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें देखो चित्र दिए हुए हैं और एक बॉक्स दिया हुआ है, इनमें से आपको एक एक शब्दों को एक वचन द्विवचन के अनुसार कर्ता क्रिया को चुन करके आपको इनमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, चित्र दृष्ट्वा मंजूषा अतः पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इनमें से चित्रों को देख करके मंजूषा में से ये जो बॉक्स है इसमें से वाक्यों को एक एक शब्दों को चुन करके आपको वाक्य बनाना है। तो पहले आप फोटो में देखिए, कृषक है, किसान है, बैलों से क्या कर रहा है, सिंचाई, वो खेत को सिंचाई कर रहा है, कृषक कर रहा है, ठीक है। और दो किसान जो हैं क्या कर रहे हैं, ये खोद रहे हैं, कुदाली से कुछ खोद रहे हैं। और ये जो तीसरे फोटो में है, ये कुछ किसान जो है, अनेक किसान जो है क्या कर रहे हैं, धान को बीजारोपित कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं। तो देखो आप इन शब्दों को चुनिए, कृषका, कृषकौ, एते, ये शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एकवचन वाला, एकवचन कर्ता का, एकवचन क्रिया के शब्द निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले एकवचन का निकालेंगे कृषक हो गया, फिर एकवचन का निकालेंगे क्षेत्रम, फिर एकवचन की क्रिया निकालेंगे कर्षति। तो पहला वाक्य क्या बना, कृषक क्षेत्रम कर्षति, ठीक है। अब द्विवचन का निकालेंगे अपन एतौ, यानी ये दो, फिर कृषकौ, ये दो किसान क्या कर रहे हैं, खनन कार्यम, फिर कुरुतः। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये सब, ये दो जो किसान है ये खोदने का कार्य कर रहे हैं ना, तो खनन कार्यम कुरुतः। फिर बहुवचन का निकालेंगे, तो बहुवचन का इसमें एते, एते आ गया, फिर कृषकः, फिर धान्यम, किसका, धान को रोपण कर रहे हैं ना, तो धान्यम, फिर रोपयंती, तो एते कृषिका धान्यम रोपयंती। ये आपके तीन वाक्य इस मंजूषिका में से देख करके पूरे होते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो समय लिखना है, दो लिखितम समय वाचकान अंगान पदेन लिखत, ये लिखे हुए इसमें 7:30 है ना, 7 o'clock, 2:30, 11, 4:30, 1:30, 5:30, 9, 12:30, 8, 7:30, इन समय को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे 10:30 का 10:30 सार्ध, आधा जो होता है ना, आधा आप बोलते हैं ना 10:30, तो साढ़े को संस्कृत में क्या बोलोगे, सार्ध, ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम। तो कितने हो गए, 10:30, सार्ध द्वादश वादनम, इसमें द्वा नहीं आएगा, सार्ध दश वादनम आएगा। इसमें आपकी बुक में ये गलत छिपा हुआ है, ना छपा हुआ है गलत, ये गलत है, इसमें सार्ध दश वादनम आएगा इसमें, ठीक है। आप 7 o'clock पे क्या लिखोगे, आप 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, और बजे को सप्त वादनम, तो क्या लिखोगे, सप्त वादनम। 2:30 को, तो सबसे पहले 2 को क्या बोलोगे, पहले ये 5:30 पे है तो 2:30 होता है ना, 5:30, तो सार्ध लिखोगे, सार्ध 2 को द्वि और वादनम, यानी 2:30 सार्ध द्वि वादनम। फिर 11 को क्या बोलोगे, सीधा ही है, 11 को एकादश बोलते हैं, तो एकादश वादनम, बजे को बोलते 11 बज गए, तो क्या होगा, एकादश वादनम, यानी 11 बज गए, वादनम का अर्थ होता है बज गए। फिर है 4:30, तो सार्ध, यानी 5:30 हो गए, फिर चतुर वादनम, सार्ध चतुर वादनम। फिर 1:30 है तो सार्ध 1 वादनम, फिर 5 बजे है तो पंच वादनम, फिर 3:30 है तो सार्ध त्रि, है ना, पहले तो 5:30 आएगा सार्ध, फिर 3 को त्रि, फिर वादनम, फिर 9 बजे हैं तो इसमें आया ही था जैसे कि वह 9 बजे आता है, तो 9 वादनम, फिर 12:30 है तो सार्ध द्वादश वादनम, फिर 8 o'clock है तो
अष्टवादनम, फिर 7:30 है तो सार्ध सप्तवादनम। नेक्स्ट है आपका, यही मंजूषा में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के शब्द चुनने हैं आपको, ठीक है, रिक्त स्थानों के लिए। तो इसमें है कितनी, इनमें से आपको चुनना है, ऋतव है भवंती, तो कितनी ऋतु होती है, देखो षड त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वो द्वादश, अष्टाविंशति, कितनी ऋतु होती है अपनी, छह ऋतु होती है, तो छह को क्या बोलोगे, षड। मासा भवंती, कितने मास होते हैं, छह भी नहीं होते हैं, 30 भी नहीं होते हैं, 2 भी नहीं होते हैं, सीधा निकालो 12, तो 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश, मासहा द्वादश भवंती। एकस्मिन मासे कितने दिन होते हैं, 30, तो एकस्मिन मासे 30 अथवा एक 30 दिवसा भवती, कितने होते हैं एक मास में, 30 या एक, इसमें एक 30 भी है ना, तो एक 30, किसी किसी में 30 होते हैं, किसी किसी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, तो कितने होते हैं फरवरी मास में सामान्यतः, नॉर्मल हमेशा, अष्टाविंशति, और आपके मंजूषा में भी अष्टाविंशति है, तो वही अपन को फिल करना है। मम शरीरे हस्तौ स्तः, कितने हाथ है अपने, द्वौ, तो मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। यह आपका तीसरे पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं, आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू।